दिने एक बालक एक स्कूल रे एडमिशन करने को आसीथिला। जे स्कूल रे एडमिशन करने को आसीथिला से स्कूल रे गोटे नियम थिला, क्लास आरंभ करने पूर्व सबु छात्र को मेडिटेशन करने को बाध्य थिला। एही नियमटी से बालक जनक जानि नथिला। से बालकर एडमिशन हेबा परे से जेतेबेले क्लास करने आसले से ही बालक मेडिटेशन करने बसला एवं मेडिटेशन करिबा आरंभ कला, किंतु दुई मिनट परे से पिलाटी को राग लागिला। से निजे आखि खोली देला एवं मेडिटेशन भंग होइगला। पुणी शिक्षक ताकु मेडिटेशन करने को कहले, पुणी पिलाटी मेडिटेशन करने को बसला। पुणी थरे दुई मिनट परे मेडिटेशन करिछंती ताकु प्रबल राग लागिला। तांकर समस्या एहा थिला जे से जेतेबेले से मेडिटेशन करने को बसुथिला ताकु आखपाखरे कथबार्ता शब्द शुणा जाऊला, जहाँफल राग लगुला। ता सहित सबुदिन यहीपर घटा लगला। तीन दिन बीतला से यही समस्या को जड़े शिक्षक को जन एवं ये कथा भी कहला, आम जिते बड़े मेडिटेशन कर लोक मान कथबार्ता करने मना करते कारण यही डिस्टर्बेंस है मत प्रबल राग आसू, तेणु मत मेडिटेशन करने शांत वातावरण आवश्यक। शिक्षक कहले, तुम्हें कौन भी कर लोक तुमको प्रतिस्थान डिस्टर्ब करे, तुमको तुम राग को काबू करने को पड़ो। यापर जदि तुम्हें मेडिटेशन करने को चाहिए ताहले निकटरे थिबा नदीकूल को चली जाओ, सेठारे तुमको अन्यर शब्द सुनाजीव ना। तापरठू पिलाटी नदीकूल को मेडिटेशन करने को बाहर, जेतेबेले से मेडिटेशन करने को बसले ए लोक तार कुकुर धरी जाऊला। से कुकुर शब्द जो पिलाटीर मेडिटेशन डिस्टर्ब होला एवं से रागिगले। यही तीन दिन पर्यंत ता सहित एमती ही घटला। पुणी बालक जनक चिंता कले से नदी मझीरे जाई मेडिटेशन करिवे, सेठारे तांको किए भी डिस्टर्ब करिवे नाही। बालकटी एक नौका साहाज्यरे नदीर मझी को मेडिटेशन करिया पई बाहरिला। सेठारे मेडिटेशन करिवा को लागिला जेपरी से भाबुथिला सेपरी ही हेला, नदी मझीरे तांको किए भी डिस्टर्ब कले नाही। सेई दिन ठारु एई भली मेडिटेशन कला। एई भली एक सप्ताह बीती गला परे जेतेबेले से मेडिटेशन करूला ताकू पानीर छप छप शब्द शुभिला। से आखि खोली देखिला जे तार सामना रे एक नौका आसुची जहाँ ता आड़ को आसुथिला। से नौका आड़ को अने रागर चित्कार करिबा को लागिला, कहिला नौकाटी मो आड़ को आण नाही, मुठारे मेडिटेशन करुची। से नौकारु कौनसी उत्तर आसलानी। पिलाटी पुणी थरे चित्कार करी कहिला, किंतु से नौकाटी ता पाख को आसुथिला। से नौकाटी वर्तमान पिलाटी को प्रबल राग लागिबा को लागिला। पिलाटी भाविला ए नौकारे जीए जीए भी थाउ ना काहीकि मु छाड़ी। पिलाटी जेतेबेले नौकाटी निकट को पहुँचिले से जानिपारिला जे नौकाटी भितरे किए भी नहांती। नौकाटी अधिक पवन जो आपे आपे दौड़ी छिंडी एठा को पलि आसी। पिलाटीर राग पुणी शांत होइगला कारण जहाँ सब घटी ता प्रकृतिर जो घटी एथिरे कहारी कौनसी दोष नथिला। पुणी से पिलाटी एक मिनट पाई चिंता कला, जेतेबेले से नौकाटी मो नौका को धक्का देला सेतेबेले मते प्रबल राग लागिला। मु मनरे भावुथिले जे जे भी ए काम करिछि ताकु जम्मारु छाड़ी। जेतेबेले मु जानि पारिली जे नौकाटीरे किए भी नहांती एवं एहा पवन जोगु पळि आसिछि सेतेबेले मो राग शांत होइगला। ए प्रकार सेम घटना आम सहित साधारणतः घटी थाए। जेतेबेले आमको राग लागि थाए जहार कारण जदि मनीष होइथाए ताहले आम राग ता उपरे उतारी दे था, किंतु जेतेबेले ताहार कारण कौनसी नेचुरल जिनिष पई होइथाए ताहले आमे आम राग ऑटोमेटिक शांत हो जाइथाए एवं आम राग को भूली जाऊ। जदि आमको राग आसुछि कौनसी लोकंक सकासे ताहले भाबिबे एहा प्राकृतिक, ताहले ताहा उपरे राग आसिबनी। रागरे मनीष मनीष नुहे पशु हो जाए थे। आपण जदि आपण दुख समय रे टिके धैर्य रखिदेवे ताहले हजार दुख को एड़े पारे।